बीपीएससी 67 मेंस का पेपर GS 1 का पेपर हो गया, जो क्वेश्चंस आए थे वो बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कुछ चेंजिंग होगा और ऐसा हो सकता है कि कुछ नया एक्सपेरिमेंट इसमें हो, लेकिन जिस तरह के क्वेश्चंस रहे हैं, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेकर के, डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस और व्हाट वर द ब्रिटिश पॉलिसीज टुवर्ड्स अर्ली नेशनलिस्ट। तो ये तमाम जो क्वेश्चंस हैं ये कोई ऐसा नहीं है कि कुछ अलग आ गया हो, और ये टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है 1857 से 1947 तक, ये हमेशा का क्वेश्चन रहा है। और क्रिटिकली एनालाइज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमर्जेंस ऑफ गांधी जी एज एन इमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर। तो गांधी, नेहरू, ये सबको पढ़ना ही रहता है, टैगोर को, तो इसमें गांधी जी को पूछा है। क्विट इंडिया मूवमेंट भी हमारा वही सेम क्वेश्चन हमेशा की तरह। कैरेक्टरिस्टिक्स में मौर्यन आर्ट के बारे में पूछ लिया गया था, जो कि पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद एक शॉर्ट नोट्स करके पूछ दिया गया है, जिसमें से कोई सी दो को बनाना था, संथाल और चंपारण और रविन्द्रनाथ टैगोर, तो इसमें से कोई दो बनाना था। तो ये तमाम जो क्वेश्चंस थे सेक्शन फर्स्ट के, वो वही क्वेश्चंस थे जो पहले पूछे जा चुके हैं। करंट अफेयर में क्वाड पूछा गया था, जो कि कह सकते हैं थोड़ा नया क्वेश्चंस था, लेकिन क्वाड के बारे में लगभग लोगों को पता था कि ये पूछेगा ही। फिर अग्निपथ, क्योंकि बहुत विवादों में रहा है ये स्कीम, तो इस पे से सवाल का आना वाजिब था और वही क्वेश्चन आया। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ढूंढ ढाड़ के क्वेश्चन लाया गया, बहुत जो चर्चे में था वन नेशन वन इलेक्शन, जो कि मोदी जी कई बार इसको लेकर के बातचीत कर चुके हैं। रसिया यूक्रेन के बारे में कौन ऐसा इंसान है जो नहीं जानता होगा? जो नहीं जानता होगा मुझे लगता है उसने तैयारी ही नहीं की होगी। एक क्वेश्चन है, इट इज़ जनरली दैट रूलिंग पार्टी मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इट्स वेस्टर्न इंटरेस्ट, डू यू एग्री विद दिस? और ये भी क्वेश्चन आपने पहले पढ़ा ही होगा और फिर से ये क्वेश्चन आया। तो मिला जुला के बात यह है कि इसमें जो क्वेश्चन आए हैं वो कुछ ऐसे नहीं है जो पूर्व में नहीं पूछे गए हों। और ये आपका DI का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग फंसे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मामला दिए गए हैं वो परसेंटेज का था, और बहुत सारे लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिए और सीधे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, बाद में जाकर अंदाज़ा हुआ है। तो इसी तरह के सवाल थे, ये आप देख सकते हैं पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी आसान था और बहुत सारे लोगों ने पाई चार्ट को भी अटेम्प्ट किया है। तो मिला जुला करके क्वेश्चन बहुत सही रहा है। अब दूसरा पेपर भी शुरू होने जा रहा है, और दूसरा पेपर में देखना यह है किस तरह के पेपर आते हैं। फर्स्ट पेपर बहुत आसान रहा है और